तो आज हम दो डबल डायमेंशनल एरेज का सम किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये दो डबल डायमेंशनल एरेज हैं 4x4 के, तो अगर ये दोनों एरेज का हम सम निकालें तो करस्पॉन्डिंग नंबर्स होंगे 1 और 10, 2 और 11, 3 और 12, 4 और 13। इनका सम यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 10 11, 2 और 11 13, 3 और 12 15, 4 और 13 17। इस तरह से दो एरेज के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी जो पोजीशंस हैं उन पोजीशंस के सेम पोजीशन में जो दो नंबर्स हैं उनका सम करके हम तीसरे एरे के अंदर उसको स्टोर करेंगे। तो इस प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर नंबर्स इन 2 4x4 डबल डायमेंशनल एरेज, एड द करस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द एरेज एंड डिस्प्ले द सम इन ए न्यू डबल डायमेंशनल एरे। तो इस प्रोग्राम के लिए हम जावा का आईओ पैकेज यूज़ करेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। अब इसके अंदर हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का यूज़ करने वाले हैं। शुरुआत होगी क्लास नेम से, पब्लिक क्लास डी डी सम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। जब ये प्रोग्राम रन होगा उस समय आईओ एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमें थ्रोज आईओ एक्सेप्शंस यहाँ एक्सेप्शन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अब हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रीड नाम से। रीड जो है यह एक वेरिएबल नेम है, यहाँ पे आप अपने मन का जो कोई भी नाम इसमें दे सकते हो। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम बफर्ड रीडर के अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट। बफर्ड रीडर एक्स इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर रीड। तो अब हमको एक्स नाम का बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसका यूज़ हम यूज़र ने एंटर किए हुए वैल्यूज़ को रीड करने के लिए कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे इंट आई जे। अब हम तीन डबल डायमेंशनल एरेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इंट ए ब्रैकेट ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 4 4। यहाँ पे हमने ए नाम का डबल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है जिसके अंदर 4 रोज़ और 4 कॉलम्स होंगे। उस तरह से बी और सी नाम के भी दो एरेज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद हम इस एरे के अंदर वैल्यूज़ एंटर करने के लिए कहेंगे यूज़र से। तो पहले तो एक इनपुट स्टेटमेंट आएगा, एंटर नंबर्स फॉर दी फर्स्ट मैट्रिक्स। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 4i++। फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन 4j++। ए आई जे इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट इन ब्रैकेट एक्स डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन यह इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का फंक्शन है या मेथड है, और एक्स जो है ये बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट है एक्स डॉट रीड लाइन। तो इस तरह से हम एक एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड एरे के अंदर भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे, और दोनों एरेज के अंदर जब वैल्यू स्टोर होंगी उसके बाद हम उनका सम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सम इस तरह से होगा, इसके लिए भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 4i++। फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4j++। सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो मेन जो एडिशन का कोड है सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बहुत आसान ही है। उसके तुरंत बाद हम इसको प्रिंट करना भी शुरू कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी आई जे प्लस स्पेस। अब यहाँ पर हम करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनर फॉर लूप के बाहर आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए होगा। तो इस तरह से हम दो डबल डायमेंशनल एरेज का सम क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस प्रोग्राम को BlueJK कंपाइलर में रन करके टेस्ट करके देखें, और यह प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम इस तरह से है, इसे चाहो तो आप कॉपी करके BlueJK कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो। क्लास सेव कंपाइल, और फिर प्रोग्राम के आइकॉन पे जाके राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स फ्री। ओके, एंटर नंबर्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर हम एक बार में सिर्फ एक ही नंबर एंटर कर सकते हैं, तो
तो इस तरह से कुल 16 नंबर्स हमको एंटर करने पड़ेंगे। अब इसके बाद में एंटर नंबर्स इन दी सेकेंड मैट्रिक्स, अब यहाँ पे हम अलग नंबर्स एंटर करेंगे। तो तुरंत बाद हमें सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर पहले दो मैट्रिक्स में जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं उसका हमको यहाँ पे सम दिखाई देता है। आप इसे अलग अलग डेटा वैल्यूज़ के साथ में टेस्ट करके देख सकते हो।